नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी सारे टाइम से मैं बहुत सारे डायग्राम्स पे, जो कि पुरानी वीडियो हैं, हालांकि पुराने डायग्राम हैं, पुराने डेटा हैं, लेकिन मैं इनको सबको जोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कूलर मोटर हो गई है या फराटा मोटर हो गई है, तो इन पे मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन पहले मैंने ऐसी वीडियो दी थी कि डेटा की वीडियो दी है, कूलर का डेटा या कूलर का वाइंडिंग डायग्राम या कूलर का कनेक्शन, तो इस तरह से मैंने वीडियो दी है। अब की बार मेरा वीडियो डालने का मकसद सिर्फ ये है, इस तरह से डबल डबल इसको दोबारा से डालने का मेरा मकसद ये है कि पहले जैसे किसी ने डेटा की वीडियो देखी है, फिर वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को फिर वो वाइंडिंग वाला वीडियो चाहिए या कनेक्शन वाला वीडियो चाहिए, तो वो सब वीडियो उल्ट सुलट हो गई हैं। कहीं डाटा की या वीडियो तो अलग अलग थी, तो मैंने सोचा कि एक साथ सारी चीज़ें जोड़ के एक साथ एक वीडियो बनाया जाए कम्प्लीटली, जिससे कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, अलग अलग वीडियो पर न जाना पड़े। मेरा मकसद सिर्फ यही है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनको मैं डाल के फिर प्रैक्टिकल पे आता हूँ, फिर प्रैक्टिकल रिवाइंडिंग की वीडियो ही डालूंगा, इसके बाद कुछ नहीं डालने वाला, ठीक है। तो कुछ डायग्राम्स है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा मकसद है कि आप इससे जल्दी कुछ ना कुछ सीख जाएं, नहीं फिर आप मुझे कमेंट ही करते रहोगे कि सर ये वीडियो नहीं मिल रही है, आप लिंक भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीटली वीडियो देखा करें, इसमें डेटा कनेक्शन सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, और जो प्रैक्टिकल वीडियो उसमें भी सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन जो नए नए बंदे हैं, किसी को प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको फिर थ्योरी से समझाता हूँ। किसी को थ्योरी समझ में नहीं आता है तो प्रैक्टिकल समझाता हूँ। दोनों चीज़ें हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं रिपीट करके वीडियो बनाता हूँ कई बार। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर जो 24 स्लॉट का एग्जस्ट कूलर होता है, ठीक है, जिसका स्टेटर साइज 3 सेंटीमीटर होता है, इनर डायर 7 सेंटीमीटर होती है, उसका वाइंडिंग डायग्राम प्लस डाटा और कनेक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 24 स्लॉट्स मैंने, यहाँ पे डायग्राम मैंने ले लिया है, और इसके अंदर पिच रहती है 1 से 4, 1 से 6, रनिंग स्टार्टिंग दोनों के अंदर सेम। तो पहले हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारी मोटर है इस तरह से रखी है, इस तरह से हमारी मोटर रखी है, और हम पहले इसमें रनिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम पिच बनाएंगे, तो पिच बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1 से 4, इसके ऊपर 1 से 6, ठीक है। ये 2 स्लॉट बीच में छोड़ के डालना है। तो पहले रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले कॉइल हमको 2 स्लॉट बीच में छोड़ के डालनी है, 1, 2, ठीक है। ये 2 छोड़ के 1 से 4 में कॉइल हम डाल देते हैं, फिर 1 से 6 के अंदर हम कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। 1 से 6 के अंदर 2 बार कॉइल इंस्टॉल होगी, ये एक ही कॉइल होगी जिसको 1 से 4 में सिंगल और 1 से 6 में डबल डलेगी, और फिर आउटर पॉइंट इसमें निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेम तरीके से पिच रहेगा सेम, 6, 4, बीच में 2 स्कीप करने हैं, फिर 1 और 1, ठीक है। और इनर तार हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, और 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। छोड़ने के बाद 1 से 4 में 1 बार, और फिर 1 से 6 के अंदर 2 बार कॉइल को हम इंस्टॉल करते हैं, यानी कि एक कॉइल को टोटल 3 बार मोड़ा जाता है, 2 बार 1 से 6 में और सिंगल 1 से 4 के अंदर। फिर पिच बनाते हैं 6, 4, खाली खाली 1, 1, 2 छोड़ के बनाना है, 1 से 4, 1 से 6। फिर सेम तरीके से कॉइल इंस्टॉल करते हैं, 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 के अंदर 2 बार कॉइल इंस्टॉल करते हैं।
उसके बाद हम चौथा कॉइल भी इस तरह इंस्टॉल करेंगे, एक एक दो छोड़ने हैं, ठीक है, एक से चार, एक से छः। आप इस साइड भी नोट कर सक इस साइड से भी नोट कर सकते हो, इस साइड से भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, वो दो स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं, एक से चार में एक बार और फिर छः में दो बार, और यहाँ पे आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। और अब इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो हमने पहली कॉइल यहाँ से डाली थी, तो कहीं से भी डाली हो, कनेक्शन कहीं से भी कर सकते हो। इस कॉइल से इस तरफ भी चल सकते हो, इससे इधर भी चल सकते हो, किस कोई सी भी कॉइल से किधर भी कनेक्शन कर सकते हो, इनर से कनेक्शन दे सकते हो, आउटर से दे सकते हो। तो हम पहली कॉइल हमने डाली यहाँ से थी, लेकिन मैंने पेज इस तरह रख रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको पहली मान लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने पहले डाला था, ठीक है, तो इसका आउटर तार छोड़ देते हैं, इनर तार को हम पकड़ते हैं, इनर तार अगली किनर से जोड़ देते हैं। पहली किनर दूसरी किनर से जुड़ गया, अब दूसरी का आउटर तीसरे का आउटर से जुड़ गया, तीसरे किनर चौथे किनर से जुड़ गया। अब एक आउटर बच जाता है, एक यहाँ आउटर बच जाता है, एक पहले का आउटर बच गया, एक चौथे का आउटर बच गया, ये दोनों तार बाहर निकलेंगे। अब स्टार्टिंग की बारी आती है, तो स्टार्टिंग को भी हम सेम तरीके से इंस्टॉल करते हैं। स्टार्टिंग डालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली कॉइल हमने ये डाली है, तो हम इसको मोटर को ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे नोट करना है एक पहली वाली कॉइल जो कि रनिंग की, एक दूसरी वाली कॉइल, उसके वो वाले सिरे, लास्ट वाले बड़े बड़े सिरे, बड़े बड़े कॉइल जिनमें दो बार मोड़ के डाला, तो एक स्लॉट ये होगा, एक ये होगा जिसमें डबल डबल डाला, इस चीज को नोट करना है और इन दो को छोड़ देना है। और इसके जस्ट ऊपर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एक से चार पिच बना लेना है। तो इसके ऊपर यहाँ पे है लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पे एक से चार पिच बना लेना है, भरे भरे को छोड़ देना है जिसमें डबल डाले, जिसमें सिंगल सिंगल है उसको एक से चार बना लेना है, ठीक है। उसके ऊपर जो खाली आता है उसको एक से छह बना लेना है, और सेम तरीके से कॉइल डालना है, सेम पिच रहेगा स्टार्टिंग का, एक से चार में एक बार, छह में दो बार, और आउटर तार जो है वो यहाँ पे निकल जाएगी। फिर आगे बढ़ना है सेम तरीके से, जिसमें डबल डबल डाले गए उन दोनों को छोड़ना है, एक से चार बनाना है, एक से छह बनाना है, ठीक है, और एक से चार के अंदर कॉइल डाल देना है, एक से छह के अंदर कॉइल दो बार डाल देना है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से डबल डबल वाले को छोड़ देना है, एक से चार बनाना है, एक से छह बनाना है, और फिर से इनर तार जो होता है लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, एक से चार में एक बार डाल देना है, एक से छह की बारी आए तो दो बार मोड़ देनी कॉइल, दो बार डाल देना, और यहाँ पे फिर एक आउटर तार यहाँ पे इसका बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी सेम तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, इसमें डबल डबल डाले गए इनको छोड़ देना है, एक से चार बना देना है, एक से छः बना देना है, ठीक है, और इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ ये दो छोड़ देने हैं भरे भरे, और दो छोड़ के एक से चार में एक बार, एक से छह की बारी आए दो बार डाल देना, आउटर तार आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्टिंग डल जाएगा। फिर स्टार्टिंग में भी पहला कॉइल हमने ये डाला था, तो इसका आउटर छोड़ देना है, इनर तार पकड़ना है और दूसरे के इनर से जोड़ देना है। अब दूसरे का आउटर पकड़ना है, तीसरे का आउटर से जोड़ देना है, ठीक है, तीसरे का इनर पकड़ना है, चौथे के इनर से जोड़ देना है, आउटर आउटर बच जाएगा फर्स्ट वाली का और फोर्थ वाली का, ठीक है। तो इस तरह से टोटल चार तार निकलेंगे, दो रनिंग के आउटर, दो स्टार्टिंग के आउटर, ठीक है, जिनको टोटल बाहर निकालना, फिर बाहर कैपेसिटर से कनेक्शन देना है। अब इसका डेटा लिख लीजिए, चौबीस स्लॉट्स, ठीक है, एग्जस्ट कूलर है,
स्टेटस साइज है इसका, तीन सेमी, ठीक है। और स्टेटर के अंदर की गोलाई जिसको इनर डायर बोलते हैं, इनर डायर, ठीक है। स्टेटर गोलाई हम शुद्ध भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर इनर डायर बोलते हैं इसको, स्टेटर गोलाई को अंदर की। और जो बाहर की जो होती, जो अंदर से अंदर की है ना, यहाँ से यहाँ तक की, इसको इनर डायर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये जो होती है, और यहाँ से यहाँ तक की आउटर डायर इसको बोलते हैं। और जो स्टेटर का जो साइज है, जो स्टेटर की जो मोटाई है, इसको स्टैम्पिंग साइज बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं SWG, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। तो ये होगा रनिंग के अंदर 27 नंबर, स्टार्टिंग के अंदर 29 नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रन की। ट्रन रहेंगे रनिंग के अंदर 110 कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, बेस्ट स्पीड रहेगी, ठीक है। और 120 कर लीजिए आप, ठीक है, स्टार्टिंग में 120 कर लीजिए। ज्यादातर रनिंग में 120 भी डाल देते, स्टार्टिंग में 130 भी कर देते, लेकिन आप 110 डालेंगे रनिंग के अंदर तो स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा तेज रहेगी, ये चीज आप नोट कर लीजिए। 10 टर्न अगर बढ़ा दोगे स्पीड पे फर्क आएगा। अब बात कर लेते हैं पिच की। रनिंग की बात करें 104, 106, एक बार 104 में, दो बार 106 में, स्टार्टिंग की बात करें 104, 106, ठीक है, एक बार 104 में, दो बार 106 के अंदर। RPM की बात करें 1440, ठीक है, क्योंकि 4 पोल हो गया ना, 1440 है। तो ये इसका डेटा है, कनेक्शन 1 से 3 में करने हैं। कनेक्शन 1 से 3 में रहेंगे। अब यहाँ पे 4 तार बचे हैं ना, 4, इन चारों को कैपेसिटर से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी यहीं पे बता देता हूँ, बाद में फिर आप दूसरी वीडियो देखते फिरेंगे, फिर कहेंगे कि सर ये छोड़ दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये 2 तार रनिंग के निकले आउटर, ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग के निकले यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक रनिंग का ले लीजिए, एक स्टार्टिंग का ले लीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, ये कॉमन बन जाएगा, ठीक है। और आपका जो कैपेसिटर है ना, उसमें 2 तारें होती हैं, एक आप रनिंग वाले में लगा दीजिए, एक आप स्टार्टिंग वाले के अंदर लगा दीजिए, ठीक है। और आपको करंट देना है जो कॉमन बनाया ना, रनिंग स्टार्टिंग का मिला के यहाँ पे देना है, और जो रनिंग वाली जो पॉइंट है उसके ऊपर देना है। तो इन 2 तारों में आपको करंट देना है, ठीक है। कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटर की बात करें तो इसके अंदर 6 से 8 तक का आप लगा सकते हैं, छ या 8 MFD का लगा दो, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, अगर चक्कर उल्टे आए तो आपको क्या करना, रनिंग तारों को आपस में बदल दीजिए, स्टैटिक रनिंग के तारों को आपस में बदल दीजिए, चक्कर उल्टे हो जाएंगे।
तो इसका आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं कहीं और इसको सेव कर लीजिए, या जितने भी मैंने डेटा डायग्राम दिए हैं ना इसके सबके स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक काम करो और एक अपना पीडीएफ फाइल बना के रख लो, आपको जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत पीडीएफ खोल लो और काम शुरू कर दो, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और प्रैक्टिकल वीडियो जल्द लेके आने वाले हैं, तो कुछ डायग्राम्स हमारे बच रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।